अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों हम लोग आज फिर एक नया पेपर डिस्कस करेंगे, महाडीटी पेपर टू इंग्लिश ग्रामर का। पेपर टू का मैंने कल भी एक रिकॉर्ड किया था 2013 का, आज हम 2014 का डिस्कस करेंगे। एक बहुत क्लियर सूचना ये दे देता मैं आप लोगों को कि पेपर फर्स्ट सेकंड का इंग्लिश को लेकर कोई फर्क नहीं है, एक ही तरह का सिलेबस है, एक ही तरह के क्वेश्चन है, तो दोनों ही कोई भी पेपर सॉल्व करे या एनालिसिस करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2013 का कल प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जाके आपको, और उससे पहले भी पेपर फर्स्ट के काफ़ी सारे मैंने रिकॉर्ड किए प्लेलिस्ट में डाले, जाके देख लीजिए। एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं अभी, 14 का, 2014 का पेपर सेकंड का, ठीक है, P2 का है, डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है ना, उसके लिए पहले पैराग्राफ दिया है। यहाँ पर पैराग्राफ नहीं है, थोड़ा कन्वर्सेशन है, थोड़ा छोटा सा। इसके बेस पर दो सवाल के आंसर देने आपको, और दोनों ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड पूछा, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट का कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पे इफ कंजेशन लगा जगह जगह। एक ये दिया और नीचे भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ये जो ऊपर की दो लाइन है ना, ये इंस्ट्रक्शन है इसको फटाक से पढ़ने का, और बाद में ये पैराग्राफ है ना, एक हल्की सी नजर मार देना इस पर, 10 सेकंड में हो जाता क्या बोला गया। तो यहाँ पर ना जो पूछा है कि पूजा आस्क ओवर द टेलीफोन है ना, तो पूजा आस्क ओवर द टेलीफोन, तो यहाँ पर ये वाले, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला एक स्टेटमेंट है, इसका इनडायरेक्ट पूछा आपसे, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। तो ये वर्बल क्वेश्चन है बच्चों। अब वर्बल क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्बल क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा है, और यहाँ पर कंजेक्शन इफ लगा हर जगह, इसलिए भी वर्बल क्वेश्चन है, क्लियर हो जाता। तो बच्चों यहाँ पर जो भी वर्बल क्वेश्चन है उसमें कंजेक्शन हमको सबको मालूम है, इफ लगता, ठीक है। और यहाँ पर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये आस्क आता, कभी भी याद रखना, किसी भी तरह के सवाल या जुमले, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर हमेशा आस्क आता है, चाहे वो वर्बल क्वेश्चन हो या WH वर्ड वाला जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो हो, दोनों ही केसेस में यहाँ पर आस्क आता है। तो ये क्लियर होगी, और कंजेक्शन आ गया आपका इफ। अब हमको क्या करना है, इसको इसको ना इनडायरेक्ट करना है आगे। तो कैसे करेंगे, तो पहले तो ये ना जो इसको असरेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम लोग वर्बल को, तो ये क्या कहा जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा स्पीक से पहले, ठीक है। और यहाँ शिफ्ट करने के बाद हम लोग जब इनडायरेक्ट करेंगे तो उसका टेंस करना पड़ेगा ना, प्रेजेंट टेंस को पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुड स्पीक आएगा, कुड कुड स्पीक। तो ये आपका मतलब एक टेंस चेंज करने वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो कुड स्पीक का है तो यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे है, दो ही जगह है, वैसे ये गया और ये निकल गया आपका, तो कुड स्पीक आएगा। अब हमको ये देखना है कि आए आएगा कि शी आएगा। देखो हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, ये जो कन्वर्सेशन है ना कहीं और का और किसी और टाइम में है, और हम आज बात कर रहे हैं उसकी, तो ये जगह कहीं और है, तो इसलिए कन्वर्सेशन में जो लोग थे वो कोई और थे, तो हमारे लिए यहाँ पे क्या हो रहा कि पूजा आस्क ऑन द टेलीफोन। तो पूजा ने किसको पूछा था यहाँ पर, तो स्नेहल को, तो ये स्ने सॉरी पूजा ने पूछा, तो ये पूजा क्या हमारे लिए शी है, तो यहाँ पे शी आएगा, तो इसलिए आपका आंसर कौन सा रहेगा, ये वाला, ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही सेम क्वेश्चन यहाँ पर, वैसे ही सेम क्वेश्चन दो नंबर पे दिया है यहाँ पर आपको ना, यहाँ पर ना ये वाला जो स्टेटमेंट है मैं इसको थोड़ा मिटा देता, ये वाला, ये वाला जो है, ये मैं आई नो हु इज स्पीकिंग, इसको क्या बोलते इनडायरेक्ट करना है। तो यहां पर आप पढ़ेंगे ना, स्नेल रिप्लाइड दैट हर मदर वॉज नॉट एट होम एंड वॉन्टेड टू नो। अब यहां पर हमको कंजेक्शन लगाना पड़ेगा इफ, ठीक है, पहले की तरह यहाँ की तरह इफ। अब गौर से देखेंगे तो आपको हर जगह यहाँ पे इफ है, यहाँ पे भी इफ है, तो ये दोनों तो वैसे निकल गए क्योंकि वर्बल क्वेश्चन है ये भी, देखो मे आए है ना। अब यहाँ पर वैसे ही करना है, ये मैं क्या होगा, इसको असरेटिव बनाएंगे तो नो से और आई के बीच में जाके बैठेगा, और जब हम उसको इनडायरेक्ट करेंगे तो टेंस चेंज करना पड़ेगा, तो वो माइट हो जाएगा। और ये आए हमको मालूम है कौन है, ये आए मतलब क्या है, ये स्नेहल है या पूजा है, दोनों में से कोई एक है, क्योंकि दो ही लेडीज के नाम है वहाँ पे, तो हमारे लिए शी हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी शी हो जाएगी ना, तो शी माइट नो, ये दिख रहा शी माइट नो। और यहाँ पर आए यहाँ तो वैसे ही इफ होने के साथ भी इसको क्या किया, टेंस चेंज नहीं किया उसने, इसलिए बहुत क्लियरली इसका आंसर ये वाला जाएगा, ठीक। उसके बाद में अगला सवाल पूछते देखते हैं यहाँ पे। अच्छा ये जो है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ना बहुत ईजी है, 10 सेकंड लगते हैं इसको आंसर करने के लिए, कुछ चीज़ें पता है तो, मतलब आपको इंग्लिश समझ में आती है उससे उसका कुछ लेना देना है ही नहीं, बहुत सिंपल तरीके से। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, एक दो दिन में सॉल्व होगी ना, आजकल में होने वाली है, आज या कल मंडे के दिन तो कन्फर्म होगी, तो मंडे से तो लाइव आने का जो प्रोग्राम रुक के बैठा है हमारा वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। यहाँ पर ये सवाल का आपको जवाब करना है, यहाँ पर उड़ाओ नौ सीट, ये जो नौ सीट है ना इसका मतलब क्या पूछ रहा हूँ, बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग इसका,
तो इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है पूछ रहा हूँ। तो मतलब यहाँ पर ये नो नो सीट का मतलब होता है जो ऑकवर्ड इंसान रहते ना, थोड़े नेगेटिव सेंस वाले, अच्छे इंसान नहीं रहते, बुरे इंसान रहते, तो उनको बोलते नो सीट। और उसका यहाँ पर बेस्ट मीनिंग है ये वाला, सॉरी ये वाला सीकन। तो ये बुरे इंसान की ना, मतलब जो अच्छा नहीं ऑकवर्ड इंसान रहता ना, उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये उसका क्या हो गया, अपोजिट, उसका समानार्थी हो गया, एक जैसे मीनिंग वाला अल्फाज हो गया। उसके बाद में यहाँ पर हमको दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा अपोजिट, अपोजिट मीनिंग ऑफ डिस्परेज, डिस्परेज का अपोजिट मीनिंग पूछ रहा हूँ। डिस्परेज का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की क्या करना, बुराई, मतलब किसी को बुरा बोलना, बुराई करना है ना। तो इसका ये मतलब होता है, ये वाला क्रिटिसाइज मतलब होता, उसका अपोजिट क्या रहेगा, किसी की बुराई नहीं करके किसी की तारीफ करना, तो प्राइज करना। तो ये तारीफ करना क्या होगा, प्राइज करना हो जाएगा उसका। तो इसलिए आंसर क्या रहेगा, ये वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। यहाँ पर ये जो अंडरलाइन आइटम्स है, तो इसका मतलब क्या है ये हमको पता करना है। यहाँ पर ये वाला तो आप पढ़ेंगे इसको, पीवू हैड टू लुक हाई एंड लो बिफोर शी कुड फाइंड हर स्कूटर की। मतलब वो की ढूंढने से पहले उसने अच्छे से देख लेना चाहिए, मतलब हाई एंड लो का मतलब होता कि चारों तरफ देख लेना चाहिए, एवरीवेयर, इसका मतलब एक तरफ हर तरफ देख लेना चाहिए उसने। ये बहुत ऑब्वियस मीनिंग है इसका, जो सबको समझ में आ ही भी गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ना वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दिया है यहाँ पर, ये चार पांच, तो हमको देखना है कि कौन सा पेयर है ना जो इसमें से गलत है, नॉट करेक्टली मैच है ना, नॉट करेक्टली मैच कौन सा है वो देखना है। चार दिए हैं, तो देखो अ पर्सन हु बेट्रॉय अ फ्रेंड, देखो फ्रेंड के लिए नहीं, जो कंट्री है ना, जो कंट्री या फिर हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसी चीजों को धोखा देने वाले को बोलते हैं ट्रेटर। तो हो सकता दोस्त को भी बोल सकते, दोस्त को भी बोल सकते, ऐसा हो सकता, ऐसा लगता है मुझे। तो ये पूरी तरह से सही है कि गलत है भी देखना पड़ेगा। मतलब मुझे मालूम है ट्रेडर किसको बोलते हैं, जो कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन को धोखा देता है उसको बोलते हैं ट्रेडर। हो सकता है दोस्त को या फैमिली को देने वाले को भी बोलते होंगे। दूसरा एक बार ऑप्शन चेक कर लेते ना, अ सी अबाउंडिंग इन आइसलैंड, तो अर्चियो पेलागो जिसको बोलते हैं, जो आइलैंड रहते ना उनको अर्चियो पेलागो बोलते हैं, चारों तरफ से पानी घिरा घिरा है, जैसे कि हमारे पास अंडमान निकोबार लक्षद्वीप है ना, उनको अर्चियो पेलागो बोलते। ये बात ये पूरी तरह से सही है। उसके बाद में कंटेम्प्ट ऑफ गॉड है ना, जो भगवान की या अल्लाह की बुराई करने वाला रहता है उसको बोलते ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या रहता है, ईश्वर की निंदा करना, ईश्वर के बारे में भला बुरा बोलना। ठीक है, तो ये भी 100% बराबर है। यहाँ पर द हाउस फॉर द स्टोरिंग ग्रेन, तो ग्रेन को स्टोर करने के लिए ग्रेनरी आती है बच्चों, ग्रेनरी आती, तो ग्रेनरी यूज करते। ये गोडाउन जो रहता ना, ये जनरल चीजें स्टोर करने के लिए रहती, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर हमारा है नॉट मैच। यहाँ पर आपको 7 से 9 तक ना पैसेज दिया, ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना। अभी हम लोग ग्रामर पे डिस्कस करते हैं, इसको स्पेशल लेक्चर में बताना पड़ेगा आपको लाइव आकर। तो 7 से 9 तक है ना, 7, 8 और ये 9, तो 9 तक छोड़ देते। हाँ, 10 नंबर तक शुरू करते। 10 नंबर में एरर बता रहा है आपको पहचानने के लिए कि ये जो सेंटेंस दिया है ना, इसमें एरर बताना है आपको। तो आप पढ़ेंगे इसको तो समझ में आएगा। माई ऑब्जर्वेशन इज दैट बिटवीन विनय एंड संतोष, विनय इज मोस्ट इंटेलिजेंस है ना, मोर मोस्ट इंटेलिजेंस बोला। देखो जब भी दो लोगों में कंपेरिजन होती है ना, तो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं होता। एक तो पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री या फिर कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है वहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना चाहिए था, मोर आना चाहिए था यहाँ पे, मोर, इसलिए गलत हो गया सी। ठीक है, ये गलत हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। या फिर से पैसेज दिया बच्चों, और आपको पैसेज पे से आंसर करना है। यहाँ पर फिर से पैसेज पढ़ना है, इसमें 3 क्वेश्चन है, 11 नंबर का, खाली जगह पढ़नी है आपको, 12 और 13। तो खाली जगह आपको फिल करनी है, कन्वर्सेशन दिया है और ऑप्शन दिए है ना। 11 नंबर के क्वेश्चन में 4 दिए है, 12 नंबर के 4 और 13 नंबर के 4, इसमें से आपको फिल करना है जो करेक्ट है विच। ठीक है, तो पहले शुरू करते ना, स्टूडेंट क्या बोल रहा देखते। सर आई फील आउट ऑफ सॉर्ट नाउ, आउट ऑफ सॉर्ट का मतलब होता ठीक ठाक नहीं लग रहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरे को, कुछ तो गड़बड़ है, बीमार सा लग रहा है ना। नाउ, तो नाउ अब बच्चा क्या बोलेगा यहाँ पे, आगे क्या बोलेगा, तो उसके 4 ऑप्शन है ना। प्लीज अलाउ मी, पर काय के लिए अलाउ करना है, जाने के लिए, काय के लिए, खाने के लिए, तो वो क्लियरिफिकेशन नहीं दिया यहाँ पे। विल यू प्लीज अलाउ मी, यहाँ पर भी काय के लिए अलाउ करना है बोला ही नहीं उसने। तो यहाँ पर कैन आई गो आउट या मे आई लिव अर्ली, मैं जल्दी जा सकता क्या, तो ये सही यहाँ पर है ना। लिव, स्कूल छोड़ना है ना उसको, स्कूल छोड़ के जाना है घर, तो मैं लिव अर्ली, में थोड़ा जल्दी जा सकता क्या, ऐसा बोलना है। तो ये इसमें 4 नंबर का, 11 नंबर में 4 नंबर का जाके फिट बैठ जाता है ये वाला। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हम लोग।
तो टीचर क्या बोल रहा है उसको, व्हाट्स द प्रॉब्लम, है ना, उसको पूछा प्रॉब्लम क्या है, तो बच्चा जवाब दे रहा एक्चुअली डैश एंड आई थिंक देर इज मे बी फूड पॉइजन। अब फूड पॉइजन हुआ मतलब पेट में दर्द है कहीं ना कहीं, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो आप 12 नंबर का ऑप्शन पढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे पूछ रहा हूँ स्टोमक पेन, आई हैव सम स्टोमक पेन, तो पेट में आपका फूड पॉइजन होता तो पेट में दर्द होता, तो इसलिए ये वाला 12 का करेक्ट रहेगा। उसके बाद में टीचर क्या रिप्लाई करता है उसको, डोंट वरी डैश द प्यून टू टेक यू होम, है ना, तो मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ टीचर करने वाला है ताकि प्यून आपको घर लेके जाएगा, तो क्या करेगा, वेयर इज द प्यून, नहीं वो बच्चे से बात कर रहा, ठीक है, तो यहाँ नहीं, यू मे गो टू, नहीं प्यून, उसके बाद में आई एम आस्किंग, हाँ बच्चे क्या बोल रहा, हाँ मैं प्यून को बोलता कि वो तुझे घर छोड़ देगा, इसलिए आई एम आस्किंग इसका सही करेक्ट आंसर ये वाला, ठीक है। तो ऐसे करके आपका ये पूरा पैसेज कंप्लीट हो जाता। उसके बाद में हम आगे बढ़ते, चूज मोस्ट करेक्ट अल्टरनेटिव, यहाँ पर ना आपको मोस्ट करेक्ट चूज करना है। तो क्या लिखा है पहला स्टेटमेंट, माई हाउस रूफ, देखो ये एपोस्ट्रॉफी एस रहता ना, एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, तो ये कोई जानदार चीज़ है ना, उसकी कोई मिल्कियत दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, है ना, जानदार, जैसे कि मैं हूँ तो मेरा कोई चीज़ है, जैसे कि साबिर्स लेक्चर, एस लगेगा यहाँ पे, साबिर्स लेक्चर मेरा लेक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कोई जानदार चीज़ है, उसकी कुछ मिल्कियत है, उसको दिखाने के लिए एपोस्ट्रॉफी एक लगता, बेजान चीज़ के लिए ऑफ का इस्तेमाल किया जाता हम लोग, है ना, जैसे यहाँ पर लिखना पड़ेगा रूफ ऑफ माई हाउस, ये सही कंस्ट्रक्शन है इसका ये वाला, द रूफ ऑफ माई हाउस, ठीक है, हाउस का रूफ बताना है तो ऑफ से बताया जाता मिल्कियत, उसका हिस्सा बताते टन, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट से ये पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, माई हाउस इज आउट ऑफ रिपेयर, लीक है तो रिपेयर हो सकता ना, ऊपर का स्टेटमेंट के हिसाब से अगर लीक है तो रिपेयर हो सकता ना, तो इसलिए ये वाला बी वाला करेक्ट है यहाँ पे। हाँ, ग्रामेटिकली पूछा तो ये भी करेक्ट है, तो चूज द मोस्ट करेक्ट अल्टरनेटिव, अगर ग्रामेटिकली पूछेगा तो ये दोनों भी बराबर है, ये भी बराबर है, बट पूरे कंटेक्स्ट में देखिए तो फिर माई हाउस इज आउट ऑफ रिपेयर मतलब रिपेयर नहीं हो सकता, अब इतना ज़्यादा खराब हो गया है, तो लीक हुआ तो इतना ज़्यादा खराब नहीं हो सकता ना, वो सेंस में यहाँ पे इसका आंसर बी आएगा। अगर वो ग्रामेटिकली पूछेगा तो दोनों से ये वाला, ठीक है, तो मेरे को लगता है यही सही रहेगा इसका, नहीं सॉरी 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 इसका ना बच्चों यहाँ पर ये सही है, बराबर है ये सही है, यहाँ पर माई हाउस इज आउट ऑफ रिपेयर्स, ये गलत हो गया ना, प्लूरल नहीं आ सकता, सिंगुलर रहेगा रिपेयर सिंगुलर रहेगा ना, इसलिए ग्रामेटिकली गलत हो गया है, सॉरी ना, ग्रामेटिकली गलत हो गया, एक ही सही है इसमें से, बी वाला, ठीक है, यहाँ रिपेयर नहीं आएगा, सॉरी रिपेयर्स नहीं आएगा, रिपेयर आएगा रिपेयर, ठीक है, इसलिए बी कन्फर्म सही हो गया, लास्ट मोमेंट पर याद आ गया मुझे। फिर खाली जगह फिल करनी है यहाँ पे, ये वाली खाली जगह, तो क्या है स्टेटमेंट, द अनरूली बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट डैश द टीचर, है ना, मतलब अनरूली मतलब एक बुरा बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का बुरा बिहेवियर क्या करेगा, टीचर को क्लैश करेगा, नहीं क्लैश नहीं करेगा, लड़ाई नहीं कर सकता एक स्टूडेंट टीचर से, एग्रीव नहीं होगा, एग्रीव मतलब जिसके हक छीने जाते हैं ना, विक्टिम को बोलते हैं एग्रीव, उसके बाद में इंसेंस भी नहीं आता, तो क्या होगा उनके बीच में, टेम्पर करेगा, टेम्पर मतलब तकलीफ देगा, त्रास देगा उसको, है ना, इसका जो मतलब इसका बुरा बिहेवियर क्या करेगा, टीचर को तकलीफ दे देगा उसको, ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या इसका, एक नंबर का। उसके बाद में अगला है, चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फिल इन द ब्लैंक, फिर से यहाँ पे आपको ब्लैंक फिल करना है, क्या लिखना है, टीचर ऑर्डर कमल टू लीव द रूम एंड डैश हिम टू रिटर्न, तो फॉरविड आएगा, मतलब यहाँ पर क्या बोला, द टीचर ऑर्डर कमल टू लीव द रूम, टीचर ने कमल को बोला कि क्लास छोड़ दे अभी, निकल यहाँ से, और यहाँ उसको आने से भी मना किया ना, मतलब फॉरविड किया, मना ये वाला, रिफ्यूज कब रहेगा, जब वो जब बाहर खड़ा है और अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है तब उसको रिफ्यूज किएगा, अभी उसको क्लास से बाहर निकाला जा रहा है और मनाई की जा रही कि तू क्लास में नहीं आ सकता, तो उसके लिए फॉरबिड इस्तेमाल किया था, स्टॉप भी नहीं आता, ये फॉरबिड मना किया गया, ये सही है क्योंकि पहले किया गया है, अगर वो एंट्री लेता क्लास में और फिर रोका जाता तो रिफ्यूज हो सकता है या स्टॉप हो सकता था, बट अभी तो ये क्लियरली क्या है, फॉरबिड है। यहाँ पर आपको स्पेलिंग पूछ रहा हो कि कौन सी सही है, तो सिंक्रोनाइज की स्पेलिंग ये वाली सही दिख रही मुझे, सिंक्रो हाँ यही सही है, ठीक है, स्पेलिंग का वैसा मेरे को याद नहीं रहती स्पेलिंग, तो मैं ज़्यादा उसके बारे में कुछ बोलता नहीं क्योंकि मैं भूल जाता।
ठीक है, यहां पर 18 नंबर का, ही नेग्लेक्ट्स अटेंडिंग डैश दो डैश चर्च इज ओनली फ्यू फ्रॉम हिज हाउस, है ना, तो आपको आर्टिकल यूज करना है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पर ना आएगा कि ही नेग्लेक्ट अटेंडिंग द चर्च, दोनों द दोएगा, यहाँ पे भी दोएगा, दोनों जगह दोएगा, इसलिए ये इसका सही है। सत्ताईस नंबर का क्वेश्चन देखते, यहाँ पर आपको फिर वही जगह खाली जगह फिल करनी है। डैश रेजिस्टेंस ऑफर बाय हिम पुलिस अरेस्टेड हिम, है ना, नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब हालांकि, हालांकि मतलब होता है उसका, हालांकि नॉट विथ स्टैंडिंग रजिस्टर ऑफर बाय हिम, हालांकि उसने रजिस्टर रोकने की कोशिश की फिर भी पुलिस वालों ने उसको अरेस्ट करके लेके गए, तो इसलिए आंसर क्या रहेगा, ये वाला तीन नंबर का आपका आंसर रहेगा, ये वाला। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक, फिर से फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पे। द गोल्ड माइन इन इंडिया इज डैश गोल्ड माइन इन द अफ्रीका, तो कंपेरेटिव डिग्री का है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये गोल्ड माइन ऑफ इंडिया एक का कंपेयर हो रहा है और इधर गोल्ड माइन ऑफ अफ्रीका, तो दो के बीच में कंपेरिजन हो रहा, तो जाहिर है कि यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री आएंगे, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के लिए जगह ही नहीं है, तो सुपीरियर देन, ठीक है, मोर सुपीरियर, देखो दो ये दो इसमें कंपेरेटिव डिग्री बताने के लिए दो चीजों का इस्तेमाल किया गया ना, मोर का और सुपीरियर का दोनों इस्तेमाल नहीं हो सकता, एक ही आना चाहिए दोनों में से, तो यहाँ पर भी मोर सुपीरियर, ये भी दोनों आ गए, हाँ वैसे ही गलत हो गया है, सुपीरियर टू, हाँ सुपीरियर देन और सुपीरियर टू, देखो जब भी ये आई ओ आर का इस्तेमाल किया जाता है, आई ओ आर है ना, तो देन कभी नहीं लगाना, टू लगाना वहां पे, हमेशा टू आता, जैसे सुपीरियर जूनियर सीनियर है ना, ही इज अ जूनियर टू मी, तो जब भी ये आई ओ आर का है ना सेंस आता, जैसे जूनियर जूनियर है ना, आई ओ आर इसका सेंस आता, इसके बाद में टू ही लगता हमेशा, देन कभी नहीं लगता, ठीक है, देन कभी नहीं लगता, इसलिए ये वाला भी गलत हो गया, इसलिए क्या सही रहेगा, ये वाला, ठीक है, सुपीरियर, चार नंबर का आंसर। 29 नंबर देखते, चूज मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू मेक सेंटेंस मीनिंगफुल, है ना, यहाँ पर फिर वही कंप्लीट करना है आपको, इफ आई नो, यहाँ वी टू है, ठीक है, वी टू का इस्तेमाल किया है यहाँ पे उसने, इफ आई नो न्यू हिज एड्रेस इन डैश, तो बच्चों यहाँ वी टू का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका, वुड आना चाहिए, सिर्फ ओनली वुड, वी वन वुड वी वन यूज होगा, बस हैव नहीं लगेगा, हैव कब लगता है, जब यहाँ पे परफेक्ट टेंस आता है, जब तो यहाँ पे सिंपल टेंस है, इसलिए हैव तो बिल्कुल नहीं लगेगा, ये गया और ये भी गया, हैव वाले दोनों गए, ठीक है, उसके बाद में आई वुड गिव, ये वाला पास्ट टेंस है ना, ये वी टू है, तो यहाँ पे भी वी टू चाहिए ना, पास्ट फॉर्म चाहिए, इसलिए क्या चाहिए, ये वाला करेक्ट है ना, ये भी गलत हो गया, फिर थोड़ा फटाफट बता देता मैं आपको थोड़ा ये इसका, जब भी आपको दो सेंटेंस में क्या करेंगे, यहाँ पर इफ के साथ में, इफ के साथ में अगर वी वन दिया, ठीक है, वी वन दिया, तो यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में आपको क्या करेंगे, मतलब सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पर एक तो पूछेगा मे या फिर कैन या फिर शाल या विल, इसमें से कोई एक रहेगा और वी वन रहेगा, ठीक है, यहाँ वी वन रहा, तो जैसे यहाँ वी टू होगा इफ के साथ, इफ के साथ यहाँ वी टू होगा, तो यहाँ ऑटोमेटिक इनके पास फॉर्म चेंज हो जाएंगे ना, मे का क्या हो जाएगा माइट, माइट और कैन का कुड, विल का वुड और शाल का शुड, शुड हो जाएगा और यहाँ पे भी बन रहेगा, ठीक है, उसके बाद में अगर यहाँ पर आप, यहाँ पर क्या करेंगे, इफ के साथ में, इफ के साथ में यहाँ पर अगर परफेक्ट टेंस है, जैसे हैव और वी थ्री है, परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पर आपको वो ये सारे लेना पड़ेंगे ऊपर के, है ना, शल विल और क्यान और कुड, सॉरी क्यान और मे, और यहाँ पर हैव आएगा बड़ा सा, हैव और वी थ्री, यहाँ पर वी थ्री, ठीक है, वी थ्री, उसके बाद में अगर यहाँ पर पास सेंस आ गया है ना, हैड वी थ्री यूज करा इफ के साथ, इफ के साथ हैड वी थ्री यूज करा, तो यहाँ पर इसके पास फॉर्म चेंज हो जाएंगे, बस इनके पास फॉर्म कर देना, पास फॉर्म जैसे शल का शुड हो जाएगा और हैव आएगा और वी थ्री का, ठीक है, वी थ्री का, तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, एक नंबर के लिए हर बार क्वेश्चन है इस पे से महा टी टी के एग्जाम में, हुआ तो लिख लो इसको, थोड़ा सा रोक कर लिख लो,
इसको आगे बढ़ा देता, लिख कर समझ लो उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया वो, इस हिसाब से एक बार बता देता फिर। देखो यहाँ पर ना बच्चों, यहाँ पर ईफ के साथ में बी टू यूज़ किया, तो जाहिर है कि उधर जो भी विल का फॉर्म आएगा वो सेकंड फॉर्म आएगा वुड आएगा, और उसके साथ हैव नहीं आना है क्योंकि सिंपल टेंस है, हैव आ गया, ये निकल गया, ये भी निकल गया। अब यहाँ पर उसने वुड यूज़ करा और यहाँ विल यूज़ करा, तो यहाँ पर वी टू है तो इसलिए वुड से आएगा, इसलिए आंसर सही है उसका, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, चूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे पूछ रहा असमन, असमन देखो समन्स ये शब्द जो है ना, समन्स तो ये सम, ये एस इसका लगता है, ये सिंगुलर है, समन्स मतलब एस लगता ही उसके आगे, ये मतलब हमारा कोर्ट का काम है, मैं कोर्ट में हम लोग भी समन्स भेजते रहते हैं या फिर कोर्ट से भी भिजवाते रहते हैं, तो ये डेली का यूज़ का है। तो समन्स यहाँ पर ये जो समन्स है ना, ये समन्स ना बच्चों ये सिंगुलर है, अब इसका प्लूरल क्या रहता है, समन्सेस, समन सेस, ये इसका प्लूरल फॉर्म हो गया ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो समन ये अपने आप में गलत हो गया, असमन्स ये बस सही है पर ये सिंगुलर है। अब यहाँ सिंगुलर तो इसके साथ में हैव, हैव नहीं आता, हैज आता, तो ये भी गया। यहाँ पर असमन्स ये सही है और हैज भी सही है और बाकी सब सही है, तो ये सही है। उसके बाद में समन्स हैव, ये भी ये सिंगुलर है तो हैज आना चाहिए था, इसलिए आंसर इसका 3 नंबर का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो ये आपकी PDF है, हमारा 2014 का पेपर भी पूरा सॉल्व हो चुका है, इसकी PDF मैं फिर से आपको टेलीग्राम पे शेयर करता, कल की भी शेयर करने वाला था, नहीं किया, आज करता, पक्का करता, कल भूल गया था मैं इसकी, और दोनों अभी जैसे लेक्चर बंद करेंगे सबसे पहले टेलीग्राम पे दोनों डालूंगा, क्योंकि आप लोग ढूंढ रहे होंगे और मिलेंगे नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, तो मैं डाल रहा हूँ अभी फौरन, कल का और आज का दोनों ही डाल रहा हूँ। टेलीग्राम की लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ जाके फॉलो करो, कमेंट करके मत पूछो कि टेलीग्राम की लिंक आया है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, तो जाके ज्वाइन हो जाइए दोनों जगह पर, ठीक है। और कुछ डाउट है ना तो पूछिए, कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं आपके, जो भी कमेंट्स है ना इंपॉर्टेंट पढ़ रहा हूँ, और आपको ज़रूरी चीज़ें वो मैं आपको रिप्लाई दूंगा या फिर उसको लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कल फौरन मिलेंगे कुछ नए पेपर के साथ, ठीक है। दुआ करो कि कल अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और हम जल्दी यूट्यूब पे लाइव आने के लिए, बहुत ही बेकरार है बट प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पा रहे, ठीक है। मिलते फिर जल्दी, जल्दी मिलते, तब तक ले इजाज़त दो, बाय, अल्लाह हाफिज़।